गणपति बाप्पा, थैंक यू, धन्यवाद। मराठी मधून शिव मनोहर राव, उत्तम राव, झिंगूजी, गनूजी ठाकरे। बिग बॉस मराठी सीजन 2 के विजेता, बिग बॉस के इतिहास के इकलौते ऐसे खिलाड़ी जो ना सिर्फ एक बल्कि दो दो बिग बॉस के फाइनलिस्ट होने का ताज अपने सर पहने हुए हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिग बॉस के इस खेल को दिल से खेलते हैं, कुछ होते हैं जो दिमाग से खेलते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने ही होते हैं जो इस खेल को दिल और दिमाग दोनों से बखूबी खेलते हैं, और ये श्रेय आपको जाता है शिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शिव जी, बिग बॉस, आइए इस सफर की एक झलक देखते हैं। बड़े सपने लेके मैं निकला हूँ घर से। एक बड़ी सी स्क्रीन पे एक बड़ा सा हीरो है, और जब वो टर्न कर रहा है बड़े स्क्रीन पे, पब्लिक चिल्ला रही है ये हीरो अपने जैसा है, कॉमन मैन। एक होता है ना कि हमारी गली जानती है, हमारा शहर जानता है, बट एक दिल में एक होता है कि भाई पूरा देश जाने शिव ठाकरे को। गणपति बाप्पा, ये विनर ऑफ मराठी बिग बॉस सीजन 2 शिव ठाकरे। इस इलाके का एक ही टाइगर। तो जो भी ये भी दोस्त है ना, गाली कैसे देंगे इसको? जब वो आता है एक छापड़ दूंगा ना, हाथ बताऊंगा मेरा कैसे उठता है। छा जाता है चपरासी नहीं तुम लोगों का कैप्टन के, तुम्हारा झगड़ा रोकने के लिए। अगर और उंगली की ना, हाँ चल कर, देखो लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कर कर। अरे उसको छापड़ मारे थे, कोई ये नहीं लग रहा है। लगा है आपको? लगता है मैं सॉरी बोलने को भी तैयार हूँ। आप उंगली करोगे जवाब माते मत सो रे, पेट डाल दूंगा तब भोगना यहाँ पे आके। क्या भोगने उकने बात मत करे, पानी फेंक दूंगा ना मुंह पे अभी कभी, पूरा मेकअप कर दूंगा। बिग बॉस ने तो फिल्म बना दी यार, हीरो बना दिया मेरे को। हीरो वाली फीलिंग दी यार, पता नहीं मैं हीरो वाली फीलिंग दी थी। शिव जी, बिग बॉस, आपने हर रोज शिद्दत से बिग बॉस साइन को माथा टेक कर ये दिखाया है कि ये शो, ये घर, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कितने मायने रखता है। आज मैं भी आपके फैंस के साथ मिलकर आपके सामने आपकी सराहना में सिर झुकाकर कह रहा हूं, खूब छान शेफ। बिग बॉस आप मेरे लिए भगवान हो, आप नहीं, आप सिर्फ ऐसे हाथ रखो मेरे को मिल गया, बस सब कुछ मिल गया। मतलब आज बारी है सीरियस होकर, हाँ, आपके इस यादगार सफर की बात करने का। बेशक बिग बॉस, लो ना। तो चलिए थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। हाँ। अल्ताफ तड़वी उर्फ एमसी स्टैन। पिच्छा हम बेबी।
आप ही के लफ्ज इस्तेमाल करूं तो, छोटी सी गली से उठा पुणे शहर से आया एक रैपर जो बिग बॉस में सिर्फ ये सपने लेकर आया कि उसकी आर्ट, उसकी रैपर कम्युनिटी का नाम गुमनामी के अंधेरों से उठकर मेन स्ट्रीम तक पहुंचे, घर घर तक जाए। और आपका ये सपना घर घर तक पहुंचा तो ऐसा पहुंचा, सिर्फ पी टाउन ही नहीं बेबी, आज पूरा हिंदुस्तान ही एमसी स्टैन का नाम रैप कर रहा है और उनके गानों पर अपने पैरों को टैप कर रहा है। एमसी स्टैन सर्दी थी, हाँ हाँ बिग बॉस, इतना प्यार इतनी इज्जत कमाई है तो यकीनन क्या कमाल कर रहा होगा आपका सफर, देखते ना अभी क्या। इसकी एक छोटी सी झलक तो आपके साथ देखनी बनती ही है। कई किरकिर करती पादरे वाता, हिंदुस्तान मातृभाषा हिंदी। हिंदी मातृभाषा ही नाम से क्या बोलती पब्लिक भाई वे एक्टर के लड़के ने आईले में बस्ती से मेरे को बोलते बस्ती का हस्ती मारेंगे ब्रो। चल शानी शानी बन, केमड़ खारी क्या क्या खारी, होटल में लेकर रहने हो ड्राइवर। चल ये क्या है, पीछा, ये क्या कर रहा है ए ब्रो, व्हाट्स अप जी जी बिग बॉस। हे ब्रो, तो देसी हिप हॉप के कुछ स्लैंग सिखाएंगे आप मुझे? मेरे को प्यार मेरे देश से, मेरे को प्यार मेरे देश से, हम लोग गाना बेचते ईमान नहीं बेचते, हम लोग गाना बेचते ईमान नहीं बेचते। यस गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे कुछ शो का रोज रखू रोजा, एक साल तक सोचा खुद को परोसा भरोसा। ये ओ सुनो ना बिग बॉस, MC Stan. Rao's movie. We feel you, bro. I feel you, Big Boss. आपकी originality और इस शो को खेलने का अंदाज हमें हमेशा याद रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहिएगा, एकदम रावस। ये इज्जत मिली नहीं है, कमाई हुई है हक से। MC Stan. इतना अच्छे बिग बॉस, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा, आप लोगों ने प्यार दिया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हां जी अर्चना गौतम, तो आज अगर कोई पूछता है कि क्या चल रहा है भैया, तो उनको आप आज यहां इस मुकाम पर बड़े फक्र से बोल सकती हैं कि अभी तो अर्चना का नाम ही जोर शोर से देश भर में चल रहा है। थैंक यू बिग बॉस। आप पूरे सफर में मुझसे अंग्रेजी में वार्तालाप करने को तड़पती रही, तो चलिए अगली कुछ लाइंस अंग्रेजी में आपकी तारीफ में। कर देना अर्चना जी, यू प्लेड रियली वेल, यू हैव डेकोरेटेड द शो विद मेनी मेमोरेबल मोमेंट्स, यू हैव रियली प्लेड दिस गेम विद ऑल योर हार्ट एंड सोल, ये तो समझ। एंड बिग बॉस 16 विल ऑलवेज लिव ऑन इन आवर मेमोरीज एंड सो विल द नेम अर्चना गौतम। खुश अर्चना? थैंक यू, मेरठ की शेरनी। आइए इस सफर पर एक नजर डालते हैं।
ये है हमारी अभिनेत्री और नेता, बिकिनी मॉडल भी है। बताए क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ बहुत दिल धक धक कर रहा है मेरा। अपने ही रंग में मलंग है, रिस्की सा थोड़ा इसका ढंग है। कमर सीधी कर रही हूँ मैं, वहाँ होती नहीं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है इस वजह से। लाइफ को रखे ऑटो मोड पे, कमर सीधी नहीं करने देते। अकेले बात कर रही हूँ, अरे बाप रे बाप रे। She is mad. अगले यार। तेरे को नहीं पता तू कितनी ज्यादा ग्रेट है। चला क्या साथ ही बहुत है यार, ये बंदा सही निकला, अपना सिंगल बैड ले लिया इसने, है ना। हाँ, टेंशन गॉट इट, नहीं तो पता चला रात को कोई लात मार के तुमको ना एक बार मुझे गोदी में उठाने का। थैंक यू। बॉडी क्यों बनानी है, मुझे तो सेक्सी बनना है, सी नेता और हॉट नेता। इलेक्शन जीते हो आप, मिस बिकनी जीते हो? मिस बिकनी इंडिया। ये कहाँ का था, झारखंड का? नहीं यहीं का था, इंडिया का, प्राइवेट कंपनी ने लिया था। ठीक है ना, रात को कुछ हुआ हुआ तो नहीं? यही तो दिक्कत है, कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ ना चल रहा है। बहुत तेज सुषमा, तो जा करके आना पहले, यार बात होनी ना, उठूंगी बड़ी दिक्कत है। तो इतने लास्ट मोमेंट तक क्यों रोकते हो गाड़ी को? आलस करते, कभी कभी ऐसा होता, दो दिन में एक बार करती हूँ आलस। गुड जॉब की है ना बिग बॉस, वाकई जो है सामने उसे क्या जिया है अर्चना आपने। थैंक यू बिग बॉस। इस सीजन की किचन क्वीन अर्चना का ये सफर आप ही की बनाई एक स्वादिष्ट डिश की तरह रहा है। घर वालों के साथ साथ ऑडियंस ने भी इस डिश का खूब लुत्फ उठाया है। अब भविष्य में कभी इलेक्शन जीते ना जीते, लेकिन जो बात तय है जी, वो ये है कि आपने हमारे दिल जरूर जीत लिया।